देवास जिले के बागली विधानसभा के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता श्याम होलानी का रविवार को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार निज गांव काटाफोड़ में किया गया। होलानी की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में जिले सहित आसपास के क्षेत्र के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। होलानी के निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। होलानी कांग्रेस के बड़े पदों पर रहे और देवास जिले अध्यक्ष भी उनको बनाया गया था। वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष थे। श्याम होलानी 1998 से 2003 तक बागली विधानसभा के विधायक रहे और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी को 6,665 मतों से हराकर विधायक बने थे। पिछले 15 दिनों से इंदौर के निजी हॉस्पिटल में रहने के बाद उनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने राजनीति के साथ समाज सेवक की भूमिका बखूबी निभाई। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आदरणीय परम श्रद्धे श्याम जी होलानी साहब, जो कि हमारे पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वर्तमान में हमारी कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के सचिव थे, आज अचानक उनके निधन की खबर से सभी बेहद दुखी हैं। ये बहुत बड़ा वज्रपात है होलानी परिवार के लिए भी और कांग्रेस परिवार के लिए भी। हमेशा से होलानी जी एक जन सेवक के रूप में और हमारे कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती की जाती थी और वो बहुत ही असहनीय पीड़ा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनके चरणों में उन्हें जगह दें और होलानी परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।